नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बिहार के खगड़िया जिले में एक बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है। एक व्यक्ति के खाते में अचानक 5.5 लाख रुपए आ गए। खाते में रुपए आने के बाद उस व्यक्ति को लगा कि पीएम मोदी ने उसके खाते में ये रुपए भेजे हैं। उसने अपने खाते से वो रुपए निकाल लिए और खर्च करना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार बैंक की गलती के कारण रंजीत दास के खाते में 5.5 लाख रुपए गए। बैंक को जब इस भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने रंजीत दास से संपर्क किया और पैसे वापस लेने की मांग की, लेकिन रंजीत ने पैसे वापस नहीं किए। रंजीत ने कहा कि ये पैसे पीएम मोदी ने मेरे खाते में जमा करवाया है। बैंक की ओर से रंजीत दास को रुपए वापस करने के संदर्भ में कई नोटिस भी भेजे गए, लेकिन उसने पैसे वापस करने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार बैंक की ओर से रंजीत दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ स्टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।